योगा ये आपके जीवन में नित्य प्रैक्टिस होनी चाहिए. I did Panchakarma about a year ago. I woke up this morning at 3:30 to do my yoga. संतुलित मन आपके कार्य के लिए बहुत बड़ी ताकत देगा. I am personally a proponent of Ayurveda and of a holistic lifestyle. योग ही जीवन है और इस बात को गांठ बांध लीजिए. अगर आप 100 साल तक सेहतमंद रहना चाहते हैं, अस्पतालों के चक्कर से बचना चाहते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस की गिरफ्त में नहीं आना चाहते हैं तो हर हाल में होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कीजिए. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अमिताभ. और अब ये पूरी दुनिया भी मानने लगी है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज अब योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी के जरिए हो रहा है. और जैसा कि यकीन ना हो तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के इस दावे को ही देख लीजिए. इस दावे के मुताबिक जो तमाम बातें कही जा रही हैं और जिस तरह से हमने आपको दिखाया भी कि अलग अलग हस्तियों की तरफ से योगा को लेकर क्या संदेश दिया गया, 90% ब्लॉकेज के साथ जो मरीज आते हैं 3 महीने के अंदर योगिक थेरेपी के जरिए वो तक ठीक हो गए हैं. बिल्कुल ज्योत्सना, ठीक कह रहे हैं आप. फील्ड कोई भी हो, परेशानी कैसी भी हो, लोगों ने योग में समाधान ढूंढना शुरू कर दिया है. हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक स्टडी में पैरामिलिट्री फोर्स की एक इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बाकायदा योग अभ्यास की सलाह दी है. बिल्कुल पूजा, और मतलब ये है कि योग के बिना काम नहीं चलेगा. वैसे भी जब बात कमजोर इम्यूनिटी, एलर्जी, सांसों की दिक्कत, कमजोर लंग्स, टॉन्सिल और साइनस की आती है तो योग अकेला सबसे कारगर उपाय साबित होता है इनके खिलाफ. बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने. तभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब ये मानती है कि योग आयुर्वेद बदलते मौसम की बीमारियों को दूर करने में 100% फायदेमंद है. प्राणायाम, स्टीम और गरारे से ईएनटी की 80% बीमारियों को दूर किया जा सकता है. और वैसे भी मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है, सेहत के लिहाज से बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि सुबह शाम चुभने वाली ठंड तो दोपहर आते आते गर्मी लगने लगती है और इसी मौसम में वायरल बैक्टीरिया, फंगस सबसे ज्यादा अटैक करता है. अमित, तो चलिए आज ईएनटी की तमाम परेशानी को योग के जरिए दूर करते हैं. और इसके लिए योग अभ्यास के साथ साथ तमाम आयुर्वेद के उपाय भी हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव. स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. स्वामी जी स्वागत है आपका, प्रणाम. आपसे पहले आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है. मैं इसको खींच रहा हूं. अमित जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी जी, और ऐसे 5 मिनट तक हम ये करें और स्पायरोमीटर से लंग के एक्सरसाइज और 1 मिनट तक लगातार ऐसे शंख बजाए. ऐसे लंबा शंख बजाना है 1 मिनट तक. फिर ये जननेति सूत्रनेति जो हमने वर्षों से बताई है, ये जननेति सूत्रनेति कफ कोल्ड सर्दी जुकाम और ऋतु परिवर्तन के समय जो दोष हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं उन दोषों के संतुलन के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों का बैलेंस करने के लिए जननेति सूत्रनेति. इधर ये देखो स्टीम ले रही है मैया हमारी. फिर इधर यहाँ जो हमने हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टिस के पत्ते, इन 5 चीजों का ये पंचलेप है. लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और यूकेलिप्टिस के पत्ते, उनका थोड़ा मोटा मोटा लेप लगाओ, पतला पतला नहीं, अच्छे से ऐसे, हाँ, इसको लगा करके और फिर धूप में बैठ जाते और थोड़ा कपड़ा ऊपर से और लपेट देते हैं तो इसकी गर्माहट अंदर तक पहुंच जाती है. फिर इधर ये रेडीमेड है, ये पतंजलि बाम जिसमें अजवाइन साता है, पेपरमेंट है, कपूर है, यूकेलिप्टिस ऑयल है, लौंग का तेल है, ये सब ऐसे छाती पर लगा करके फिर इसको बांध देते हैं. फिर अणु तेल से, ज्योतिषमती से या बादाम रोगन से नस्य करते हैं, ये भी अप्रतिम है. और लंग बस्ती, ये तो ऐसे हमारे यहाँ सदियों से जो उपाय किए जा रहे थे, अभी आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का दिखा रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह उठ करके रोज भस्त्रिका करते हैं, कपाल भाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं,
और फिर आगे अब हम लंग के एक्सरसाइज बताएंगे। ऐसे देखो ये कितना अच्छा है, खड़े होकर के भी इसको किया जा सकता है, बैठ के भी इसको किया जा सकता है, फिर गोमुखासन से लेकर के और भुजंगासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये पूरा एक क्रम है। इसको खड़ा होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के ऐसे भी और ये भी, ये ऐसे, ऐसे। तो ये एक प्रवाह से हम लगभग 5 से 10 अभ्यास एक स्पेसिफिक रोग के लिए, जिसको आजकल कहा जाता है ना प्रश्नाइज योग, थेरापिटिक योग, योग का अलग अलग रोगों में जो प्रोटोकॉल है वो भी हम बताते हैं, और साथ में फिर इंटीग्रेटेड सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 90 से 99% लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसके लिए जो सिंथेटिक दवाइयां खा रहे, एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स आर नॉट सॉल्यूशन, ये समाधान नहीं है, बल्कि इनसे तो फिर डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति एक बहुत बड़े कुचक्र में फंस जाता है। जो कर सके वो आराम से ताड़ासन भी कर सकते हैं, नहीं तो प्राणायाम तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम हमारे साथ साथ करते ही हैं। और ऐसे ये प्रवाह से एक, फिर ये दूसरा अर्ध चक्रासन, फिर अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे स्वामी जी, और फिर ये सारे लंग के लिए जबरदस्त है प्राणायाम तो है, जो सुबह उठ के फेफड़ों को मजबूत करने के लिए वो भी अप्रतिम है जी मेरे भाई। अभी उपाय बताने शुरू किए हैं आपने, योगासन भी बताने शुरू किए हैं, लेकिन कहते हैं कि मौसम जब चेंज होता है तो उसका असर लोगों पे पड़ता है, लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वजह मौसम नहीं बल्कि वीक इम्यूनिटी होती है, और ऐसे में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं ये भी आप बताएं। हाँ, ये आपने देखो इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लो ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ड्रग एडिक्शन, दीज आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब इसमें एक ये इतना तो सभी करने लग गए और सब हमारे साथ पूरी ठंड में जो है सूर्य नमस्कार और दंड लगा रहे थे, ये तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं कल देवप्रयाग में था, आप देख रहे थे, वहाँ एक भी बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, पूरी सर्दी बीत गई और अब सर्दी से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, सुबह शाम की प्रचंड ठंड और फिर दोपहर की प्रचंड धूप, और इस ऊंचे नीचे मौसम में आदमी ऊंचा नीचा हो रहा है क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार, दूसरा फिर ये दंड बैठक ऐसे लगाए, ऐसे ये, और ऐसे ऐसे 10-20 बार से शुरू करें, ऐसे हम तो ऐसे ही अभ्यस्त हो गए, हमारे तो ऐसे ही अभ्यास हो गए हैं ऐसे करने के। फिर इसमें ये जो है हनुमान दंड के, फिर ये पार्श दंड के, और कुछ तो हमको देख करके ही राजी हो जाते हैं, बाबा लगे रहो, अरे बाबा तो लगा हुआ है तुम भी लगे रहो, और ऐसे जो है ये पूरा जो कर सके तो फिर तो बात ही क्या है, हम तो सुबह ही उठ करके दौड़ भी लगाते हैं, और ये सब करते करते फिर बोलते बाबा जी आपका सांस नहीं फूलता, आप इतनी तेजी से करते भी हो और साथ में बोलते भी हो। मैंने कहा यही तो इम्यूनिटी का कमाल है। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, हमने ये सब बार बार बताया है, ये बालप्राश बच्चों के लिए, बाकी के लिए च्यवनप्राश, और ज़्यादा ही फेफड़े कमजोर होते हैं स्वासारी, ब्रोनकोम, ये सब औषधियाँ भी बताएंगे, ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो स्वासारी अवले, ये हमने स्वासारी गोल्ड, और ये तो बड़ा जबरदस्त है लंग के लिए, और कुछ नहीं इतना तो सभी कर लेते हैं। और इम्यूनोग्रिट खाएं, गिलोय घनवटी खाएं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, देखो फेफड़े भी अच्छे, इम्यूनिटी भी अच्छी, जीवनीय शक्ति अच्छी हो जाती है। आजकल लोगों की जीवनीय शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई है,
अच्छा मेरी नजर इधर पड़ी, पिछले दिनों आचार्य जी हिमालय में गए जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए, ठंड ऐसे बैठी गले में, तो फिर मैंने उनको अनानास को स्टीम करके वैसे तो चूल्हे में भून करके फिर इसका जूस पिला दिया जी। अनानास का जूस अचानक किसी को सर्दी जुकाम हो जाए कफ को काट देता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अरे खट्टा अनानास नहीं लेना, ठंडा है, तो इसका इसको गर्म करके या भून करके इसका जूस पी ले। अमरूद को भून करके खा ले, अमरूद इसको भून करके खा ले। संतरे का जूस भी पीते हैं, लेकिन संतरे का जूस कैसे पीना, संतरे का जूस निकाल के और उसको गर्म पानी के अंदर एक बड़ी बड़ी सी हंडिया या कोई बड़ा कटोरा लेके उसके अंदर गिलास ऐसे रख देना कि चारों तरफ गर्म पानी आ जाए, तो थोड़ा गुनगुना सा जूस हो जाता है। अनार, ये नारंगी, ये सब कफ कोल्ड के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फिर हल्दी है, अदरक है, अजवाइन है, ये तो, और शिलाजीत, अश्वशिला और ये शिला तुलसी का पानी, ये सब, ये जो इधर दाईं तरफ ये रखा है ना, ये कोई दुकान नहीं सजा रखी है, ये दुकानदारी वाला काम नहीं, ये सारा का सारा काम लोगों के लिए। अब ये भुजंगासन, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसी को ही जो कर सकें वो ऐसे तेज़ी से ऐसे 500 बार करा देते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे ये स्वामी जी। और हमने तो कफ कोल्ड अस्थमा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, लंग कैंसर तक को ठीक कर दिया मेरे भाई। कुल हमने इसमें संजीवनी, लक्ष्मी विलास, ओरोग्रिट और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। स्वामी जी एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा था, और ये गोमुखासन, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी एक चीज जो है कि फरवरी का जो महीना होता है जैसे खत्म होने वाला होता है और मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, किसी को सर्दी जुकाम बुखार ये होने लगता है, घर घर की मतलब कहानी बन जाती है, आखिर ऐसा होता क्यों है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो ये आपने एकदम ठीक प्रश्न किया कि ये होता कैसे है। तो सर्दी में लोग गुड़, घी, शक्कर, अलग अलग प्रकार के तले हुए पदार्थ, लड्डू, मिठाइयाँ, समोसे, खूब गर्म गर्म चीज़ें बहुत खाते हैं और उसमें तेल का, घी का, मीठे का इंटेक बढ़ जाता है और ये सब चीज़ें बल देती हैं। तो सर्दियों में ताकत बढ़ाने के लिए सबको, क्योंकि दिसंबर जनवरी में 2 महीना जिन्होंने अच्छे से जम के खा लिया और तो साल के 10 महीने वो मजबूती से ज़िंदगी को जी पाएंगे, लेकिन इसको पचाने के लिए फिर पसीना बहाते नहीं तो इसको कहते हैं दोष संचित हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोष क्या बढ़ा, घी खाया, तेल खाया, नमक खाया, मीठा खाया, पकवान खाए, लड्डू खाए, ये कफ के रूप में गले में जमता है, इसलिए कल हमने जो है स्नोरिंग स्लिप एपनिया उसका बताया था। फिर ये जो है यहाँ पर जमा होता है फेफड़ों में, तो फिर CLD की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, कफ कोल्ड और सब दमा, ये से दम निकलने को होता है, फिर यही वेट को बढ़ा देता है, फिर यही प्रमाद को अंदर बढ़ा देता है, अलग प्रकार के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जब फरवरी महीना अब जा रहा है और मार्च आ रहा है अभी, तो इस समय जल नेति सूत्र नेति अवश्य करें, कुंजर अवश्य करें, जल नेति करें, सूत्र नेति करें, कुंजर करें जी। नस्य जैसे एक बार नहीं, 3 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके, जिनकी नाजुक प्रकृति है उनको बादाम रोगन डालना चाहिए, और जिनको का मध्यम जिनकी प्रकृति है उनको अणुतेल, और जिनको बहुत ही क्रोनिक कफ है उनको फिर ज्योतिषमती नाक में डालना चाहिए। तो इसमें नस्य में एक बार नहीं, 3 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके, 5-5 बूंद करके अणु तेल, बादाम रोग या ज्योतिषमती को डालते हैं, ये बहुत ही
अद्भुत प्रक्रिया है। स्वामी जी, अभी आपने जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल क्रिया का जिक्र किया तो मुझे एकदम से ध्यान आया, कान, नाक और गला शरीर के ऐसे अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इनमें से अगर किसी एक भी अंग में किसी तरह का रोग हो, तकलीफ, परेशानी हो, तो वो दूसरे अंग में भी फैल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। चूंकि पहले बात हम गले और नाक से जुड़े रोगों की कर रहे हैं, तो आप अभी जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल का जिक्र कर रहे थे, उन्हें रामबाण उपाय बता रहे थे, लोगों को सलाह दे रहे थे कि ये इस मौसम में कितने फायदेमंद हैं, तो इन्हें करने का सही तरीका क्या है? क्या इनको करने से पहले कुछ आसन, प्राणायाम भी करने चाहिए, और किस तरह से ये पूरी क्रियाएँ होती हैं वो समझाइए। देखो अब जैसे जल नीति, सूत्र नीति, सूत्र नीति के लिए तो रात को पहले बादाम, रोगन, अणु तेल, सरसों का तेल, नाक के अंदर थोड़ा स्निग्धता होनी चाहिए, नहीं तो सुबह कई बार फिर अनायास डालते हैं ना ये सूत्र नीति कैथेटर, तो उसी ब्लीडिंग होने लगती है, वो अच्छा नहीं है। अब जैसे जल नीति करते हैं, तो जल नीति में एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ये देखो ऐसे एक नाक के अंदर ऐसे लगाया, अब इसमें थोड़ा गुनगुना जल होता है, इसके अंदर से पानी निकलता है ऐसे ही, ये अब ये पानी कब निकलेगा, अब इधर लगाया और इधर लगा करके अब मुंह से सांस लेना, नाक से सांस नहीं लेना, और जब ऐसे इसको करते हैं तो अपने आप दूसरे नाक से पानी टपकने लगेगा। एक नाक में लगाया, दूसरे से ऐसे मैंने तो बहुत दिनों के बाद किया, तो दूसरे नाक से निकल गया, इधर नाक से लगाएंगे तो ऐसे थोड़ा गर्दन को टेढ़ी करना पड़ेगा, ऐसे 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 किया और ऐसे मुंह को खोल के रखेंगे, नाक से सांस नहीं लेंगे। फिर तो अब इसके बाद थोड़ी देर कपालभाति करना जरूरी है, मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, सच्ची बात तो एक मैं नशे तो करता रहता हूं, ये तो कई बहनों के बाद ऐसे ही नाक से लगा के बताया, बचपन से करते आए, बाद में माथे पर थोड़ा कनपट्टी पर हल्के हाथ से चोट करते ऐसे, और गर्दन झुका करके ऐसे करते। अब कुछ लोग क्या करते, जल लेते करते इसमें नाक से सांस ले लेते तो ऊपर चढ़ जाता है यहाँ माथे पर, और गला खराब हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, ये नहीं होगा। तो ये सावधानी जल नीति में रखनी जरूरी है, नाक से सांस लेना, गर्दन को टेढ़ा करके रखना, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, अब तो ऐसे ही सुखासन में बैठे हुए कर दिए, गर्दन ऐसे टेढ़ी करना ऐसे। स्वामी जी, इंस्टेंटली कैसा फील होता है, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? जल नीति, सूत्र नीति के बारे में बात हुई तो इंस्टेंट तो एकदम, फिर एक बार तो थोड़ा आंखों से पानी आएगा, नाक से भी थोड़ा जो है, क्योंकि मुझे कफ कोल्ड नहीं है, जिनको कफ कोल्ड है उनको छींके बहुत आएंगे, जब सूत्र नीति करते हैं तो किसी किसी को तो 10 20 25 50 छींके आ जाती है, नशे में ही छींके आ जाती है, और किसी किसी को तो ऐसा छींके नहीं आती, उसको जब ज्योतिषमती से करते हैं तो कम से कम 25 50 छींक आएंगे आएंगे, और पूरा फिर हल्का हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे मनोबोझ उतर गया हो, निर्भार हो जाते हैं, निर्भार। हमारे हुसैन भाई को बड़ा प्रिय है ये शब्द, एक दिन तो रिपोर्ट दिखाई थी अयोध्या में, कहीं चारों तरफ जो है वो भी योग धर्म के साथ साथ अब राज धर्म को की ओर ज़्यादा मुड़ गए हैं, तो बोले निर्भार हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, हमारी बहन को बड़ा प्रिय शब्द है निर्भय, अभय, ऐसे हो जाते हैं। ज्योत्सना जी, जी स्वामी, पूजा जी, और
जो है ऐसे निर्भार होके, निर्भय अभय होकर के, निरोग होकर के बड़ा हल्का फील होता है। तो थोड़ी देर कपालभाति करते हैं जल नीति के बाद स्वामी जी, और फिर ये जो नस्य लेते हैं ना, जैसे मैया, ये मुंह से भी लेते हैं और ये नाक से भी लेते हैं। तो इधर तो अभी बुझ गया है, अब इसके अंदर क्या डालते हैं, इसमें अजवाइन डालते हैं, मुलेठी डालते हैं, कहाँ गए थेरापिस्ट, इधर आके जलाओ तो सही, अपना काम तो देखो। तुम तो ऐसे दूर जा करके खड़े हो गए कई कोस। तो इसमें थोड़ा कपूर डालते हैं, इसमें मुलेठी डालते हैं, इसके अंदर घी डालते हैं, गाय का घी डालते हैं, और फिर और इसमें विशेष करके डालते हैं त्रिकुटू, और एक काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी जिससे हमने ओरोग्रिड बनाया, ये कैंसर के लिए और लंग के लिए तो रामबाण है, परम औषधि है। और लोग तो हुक्का पी पी करके फेफड़ा खराब कर लेते हैं, हम ये जड़ी बूटियों का धूम दे के इसको धूम चिकित्सा, बड़ी जबरदस्त है, धूम नस्य इसको बोलते हैं। और इससे मुंह से लेकर के नाक से निकालते हैं, नाक से लेकर के मुंह से निकालते हैं, आंख नाक कान करा एकदम क्लीन अप हो जाता है। तो स्वामी जी इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, तो लगता है कि जोर से धसका ना लगे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। हुक्के का शौक है, आंखें बंद रखनी चाहिए, आंखें बंद नहीं रखेंगे तो ये जो गर्म पानी के अंदर जो दिव्य धारा डालते हैं ना, आंखों में चली जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी और समस्या में फंस जाएंगे। आंखें बंद करके फिर नाक से नस्य लेना चाहिए। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, ये गोमुख आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंग आसन और मर्कट आसन, माना तो ये जाता है कि ये कान, गले और नाक के लिए बेहद फायदेमंद है, क्या ये बात सही है? और आखिर ये कैसे इन तीनों अंगों पर असर करता है? तो देखो, जब ऐसे करते हैं ना गोमुखासन, तो सीधा ये पहले दाएं हाथ को ऊपर किया तो दाएं तरफ का फेफड़ा, जब बाएं हाथ को ऊपर किया तो बाएं हाथ का बाएं तरफ का फेफड़ा, दोनों तरफ बैलेंस बनाते हैं ना राइट और लेफ्ट साइड से करके, इससे फेफड़ा पूरा खुलता है। जब ऐसे उल्टे लेटते हैं, इसमें देखो ये ऐसे उल्टे लेटते हैं तो इसमें मकर आसन में फेफड़ा पूरा खुलता है। कोरोना में भी आपने देखा होगा, जब किसी को सांस नहीं आता तो उसको उल्टा ही लिटा देते हैं डॉक्टर, लेकिन आगे क्या करना वो नहीं पता। तो हम इसमें क्या कराते हैं, हम दिव्य धारा सुंघा देते हैं, पतंजलि बाम लगा देते हैं, या ये पंचामृत का लपेट लगा देते हैं, और फिर लंग बस्ती, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लंग बस्ती जिसमें गरम गरम तेल, सेंधवादी तेल होता है, आप घर में लहसुन को सरसों या तिल के तेल में पका के उसमें थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, और उसको छाती के ऊपर डालते हैं। अब जिनको ये लंग बस्ती करने का सौभाग्य घर में तो मिलता नहीं है, तो फिर साल में एक बार कम से कम पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाए। 8954555999 एक ऐसा नंबर है पतंजलि की, किसी भी एक्टिविटी के बारे में, पतंजलि में एडमिशन के बारे में, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि वेलनेस योगग्राम में, तो साल में एक बार ये पंचकर्मा षटकर्मा अवश्य करवा लेना चाहिए। मैं आपके लिए भी सिफारिश करूंगा कि हमारे अमित जी को, हुसैन जी को, ज्योत्सना मीनाक्षी पूजा जी को साल में 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन हमारे पास छोड़ दें यहाँ, तो यहीं से शो करेंगे। और पंचकर्मा, शिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, लेप, लपेट, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा सब करवा देंगे जी। ये बड़ी जरूरी है। तो देखो सीधा फेफड़े पर ऐसे असर पड़ता है एकदम, ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये भुजंगासन, ये सलभासन और ये धनुरासन सीधा असर करते हैं। अब देखो, अब पूरा फेफड़ा इसमें खिंच गया ना, तो हम फेफड़े को साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज देते हैं इन पोश्चर्स के द्वारा जो आपके सामने अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ऐसे करेंगे और एक एक अभ्यास को 10-20-50 बार, हम तो भुजंगासन तो 100-100 बार करा देते हैं, तो फिर 100 साल तक के फेफड़े की स्वस्थता की गारंटी है जी। ये स्वामी जी एक विषय ले लेते हैं, मर्कटासन में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी जरूर जरूर। स्वामी जी, कान से जुड़ी एक बीमारी है टिनिटस, और ओल्ड एज में ये ज्यादा परेशान करती है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए?
टेनिटिस के लिए 5 चीजें हैं, जरा गौर से सुनिए। आज एक तो लहसुन का तेल हम बताने वाले, बाकी रेडीमेड में सबसे अच्छा है बिना तेल के हमने एक बहुत ही जबरदस्त औषधीय प्रयोग किया, उसका नाम है ईयरग्रिट। ईयरग्रिट डलवाते हैं। दूसरा, कान के यहाँ लीथ लगाते हैं और एक्यूपंक्चर करते हैं, और कान के लिए छोटी अंगुली और उसके पास अनामिका और कनिष्ठा के बीच में यहाँ से दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। प्रेशर एक्यूपंक्चर और लीच, साथ में कर्णपुर जो आपको बताया, फिर उसके लिए ईयर ग्रिट वटी भी देते, ईयर ग्रिट ड्रॉप के साथ। पहले हमने सारीवाद्या, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन ये प्रयोग किया था, इससे भी कानों का बहना, बहरापन और टेनेटिस का जो आपने बताया, कर्णनाद कहते हैं इसको, टेनेटिस को आयुर्वेद में, ये कर्णनाद। कोरोना की बात तो बहुत लोगों को हो रहा है, और जिस जैसे ही कोरोना के समय लोगों ने एंटीबायोटिक, स्टीराइड, फिर वैक्सीनेशन ये सब लिया, उससे त्रिदोष और बढ़ गया, और उसका सबसे बुरा असर आँख, कान, गले पर हुआ, फेफड़ों पर हुआ। बहुतों के तो त्रिदोष बढ़ गए, और बहुतों को तो स्किन डिजीज, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स, किसी को हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उसके लिए जो आज उपाय बताए वो बहुत जरूरी है। अब देखो, एक ये एक इसमें कर्ण पीड़ासन बताते हैं। एक तो ये देखो, ये मत्स्यासन और एक कर्ण पीड़ासन। इसमें ये कान की बीमारी छोटी से लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, कान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो इसलिए दर्शकों को ही बताते हैं, आपको ही बताना जरूरी हो जाता है। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बेट द्वारका मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, और मंदिर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुदर्शन सेतु का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी आज द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे, इसके बाद पीएम मोदी राजकोट के लिए निकलेंगे, जहां पर 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। लेकिन बेट द्वारका, यहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ आप देख सकते हैं कि भगवान को भेंट भी चढ़ाने, जिसमें फूल है, उसके बाद पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की परिक्रमा करते भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास है, क्योंकि बेट द्वारका को द्वारका के जो मुख्य जमीन है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और ये देश की आप कह सकते हैं कि सबसे लंबी जो तारों के जरिए, जो स्टील के तार हैं, स्टील की जो रस्सी है उसके सहारे जो ये पुल बनाया गया है उसका शिलान्यास होगा। और ये आप समझ सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा, जिसको हम कह रहे हैं कि सस्पेंशन से बना हुआ ब्रिज है, यानी कि जो लोहे की तार है, उसके जरिए इस सस्पेंशन ब्रिज को तैयार किया गया है, जो देश का सबसे लंबा ब्रिज है। और ये सौगात दी गई है क्योंकि लंबे वक्त से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इसे कच्छ की खाड़ी में तैयार किया गया है, और इसके बन जाने से लोगों को वहां भी सुविधा होगी। स्वामी जी खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं बेट द्वारका की, विधि विधान से प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं जी। तो देखो, कर्ण पीड़ान तक आसन बहुत दिनों के बाद बताया हमने जी, और उसके साथ हमारे कानों में जो स्वर गूंज रहे थे, ये संस्कृति मूलक समृद्धि के, ये निश्रेयस मूलक अभ्युदय के, ये योग मूलक कर्मयोग के, योग मूलक राजयोग के, ये पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के, और ये हमारी विरासत मूलक विकास के नए प्रयास है। एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ विकास, और उसके बहुत बड़े प्रतिमान हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। अब कुछ लोग कहेंगे तो इंडिया टीवी वाले प्रधानमंत्री जी को कुछ ज़्यादा ही बड़ाई करने लग गए सुबह सुबह। अरे भाई, काम ही बड़ाई के कर रहे हैं तो करनी ही पड़ेगी, और भी कोई करे तो अच्छी बात है। तो भाई देखो, एक नए युग का प्रवेश हो रहा है, ये योग का युग है, ये सनातन का युग है, ये आत्मनिर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का युग है। केवल मंदिर से बात नहीं बनेगी, केवल मंदिर, केवल मस्जिद, केवल गिरजाघर, केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया बड़े गंभीरता से, निश्रेयस मूलक अभ्युदय और विरासत मूलक विकास, नहीं तो विनाश हो रहा है चारों तरफ दुनिया में। यह भारत की विशेषता है,
तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ देश के को विकास के शिखर पर लेके जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ विरासत को भी संजोए हुए हैं। तो एक तरफ हमारी सामाजिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक सनातन की विरासत और दूसरी तरफ विरासत के साथ विकास के नए प्रतिमान रोज खड़े जा रहे हैं और यही भारत की नियति है। और जो इसी तरह से पॉलिटिक्स करेगा वही कामयाब होगा, नहीं तो राजनीतिक मोक्ष होने वाला है 2024 के चुनाव में बहुत होगा। तो ये समझ लेने की बात है। स्वामी जी कितनी अच्छी बात आपने कही, विकास और विरासत एक सिक्के के दो पहलू हैं और उनको बखूबी किस तरह से आगे लेके जाना है ताकि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे उसकी सबसे अच्छी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर दूसरा पीएम का गुजरात का ये दौरा है और यहाँ से आज ना सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं। स्वामी जी इस पर तो हमारी पूरी दिन भर नजर रहेगी, लेकिन नाक से जुड़ी एक और परेशानी है जो जल्द ही बढ़ने वाली है। चूंकि गर्मियां आ रही हैं और कई लोगों को नाक में ड्राइनेस की वजह से खून आने लगता है, कुछ लोगों की नकसीर फूट जाती है, तो इस दिक्कत से बचने के लिए ऐसे लोग पहले से क्या उपाय अपना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं? आपने एक पूछा, मैं दो का उपाय बताता हूं। एक तो किसी के नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए तो लक्ष्मी विलास, संजीवनी, श्वासारिवटी, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी प्रवाही, कर्कुमिन गोल्ड, इतने उपाय हैं। दूध में हल्दी, सलाजीत और च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए च्यवनप्रभा, बच्चों के बिना के शिला तुलसी, सिलाजीत, बहुत कुछ है। नस्य ये तो अंदर की हड्डी बढ़ जाती है, साइनसाइटिस, और फिर ऑपरेशन कराते हैं तो कई बार तो कैंसर तक हो जाता है लोगों के। तीन तीन बार नाक है, बोले इसने तो नाक ही कटवा ली, लोग अब बताओ नाक कटवा रहे। एक तो ये, दूसरा फिर नकसीर। ये देखो इधर पीपल का पेड़ है, पीपल, शीशम, बेल, दूरवा, दूधी घास, वीट ग्रास, एलोवेरा, इनका जूस पिला देते हैं और बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी। और बहुत ही ज़्यादा नक्सीर आती हो, ये ड्राइनेस बहुत बढ़ती है किसी किसी को, तो फिर ओ पंजाब दी लस्सी, और लस्सी में तो थोड़ा चीनी डालने लग गए थे ना, चीनी नहीं डालना, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, और उसको मथ के जब पियो ना साहब, अभी भी मैंने याद किया तो 55 साल पहले की, 50 साल पहले की बात याद आ गई। 50 साल पहले मुझे भी नक्सीर आती थी, हमारे यहाँ गांव में उसको रई मारा दही कहते हैं। तो पूज्य माता गुलाब देवी ने, हमारी माँ ने उस वैसे वो जो है बिलोने के अंदर दही बिलोते हैं ना, वैसा बिलो करके और मक्खन निकलने से पहले पिलाया, उसमें मक्खन भी होता है थोड़ा थोड़ा, आ हा हा हा, 7 दिन पिया था, उसके बाद आज तक नक्सीर नहीं आई। मैंने 50, 52, 55 डिग्री में भी योग किया हुआ है जी। और ऊपर हिमालय में -0 पर भी योग किया हुआ है, बर्फीली चट्टानों के ऊपर। अच्छा। ये है हमारे इन छोटी छोटे नुक्सों की आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर किसी का तो स्वामी जी इतना मजबूत होता नहीं है, और खासतौर पर जब वेदर बदलने लगता है तब रेस्पिरेटरी ट्रैक सिकुड़ने से सांस की परेशानी बढ़ जाती है। और अगर स्वामी जी इस तरह की बीमारी होती है या फिर सांस की परेशानी होती है तो क्या करें? एक और स्वामी जी दिक्कत होती है, वो है पोलन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही पोलन, अभी मौसम बदलेगा, पोलन जैसे ही हवा में घुलने लगेंगे, सांसों के जरिए जब अंदर जाएगा तो लोगों को ये परेशानी और भी हो जाती है, तो इसके भी उपाय बताइएगा। आधे से ज्यादा भारत में जी आम का के ऊपर फूल आ गए, यहाँ पर भी अभी थोड़ी थोड़ी कोपले फूट रही है, फूट रही होगी। आधे से ज्यादा भारत में, पूरे गुजरात में, मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र में था, फिर कर्नाटक में, पूरे दक्षिण भारत में ये आम से लेकर के लीची में भी आ गए। फूल देख रहा था मैं, बहुत जोर से खिला हुआ था उसके ऊपर तो आ ही गया। हाँ, उधर दाई तरफ पेड़ था उसके ऊपर पूरा आ गया था, वो पूरे फूल आ रहे, पुलम, पुलम के फूल बहुत जबरदस्त है, गेट के ऊपर जा। हाँ, तो ये अब ये जो अलग अलग प्रकार के, अरे किसी किसी को तो, अब देखो मधुमक्खियाँ उसी जो है इस अलग अलग प्रकार के जो पुष्प खिलते उनसे मधु इकट्ठा कर लेती है, और हमें क्या हो गया, हमें हो जाती है एलर्जी। तो इम्यूनोग्रिड खाएं, श्वासारी ब्रोनकोम खाएं, नस्य करें और प्राणायाम
वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के थोड़ा सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएं और थोड़े दिन तक घी बंद कर दें। ऐसा करेंगे, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश का तो मैंने बताया ही, सो बताया, तुलसी की चाय, पुदीना की चाय, जैस्मीन की चाय, अलग अलग प्रकार की 85 तरह की चाय जापान में, कोरिया में पी जाती है, रसिया आदि में पी जाती है। ऐसी जड़ी बूटियां वनस्पतियां जो है ना, हमारे यहाँ तो तुलसी तो बेस्ट है ही तो है, इनकी चाय पिया करें, और कुछ नहीं तो हर्बल टी पिया करें, ज़्यादा ही है तो अपना स्वासारी और दिव्य पेय पी लिया करें। अब जिनकी पित्त प्रकृति है, यदि वो कोई ज़्यादा काढ़े आदि पीते हैं ना, तो जो है कोई भी काढ़ा पी लो या हल्दी अदरक कुछ भी लो, हल्दी अदरक तुलसी शहद के साथ कुछ भी लो तो उनको पित्त बढ़ जाता है। मुलैठी बेस्ट है, ये मुलैठी में गुण है, मुलैठी को उबाल करके पीते रहे तो एक तो पानी बहुत मीठा ऐसा लगता है बस पकवान मिल गया हो, और इसको पका करके छान के रख दें और जो है इसका थोड़ा गदला गदला सा पानी नीचे बैठ जाता है, ऐसे गोल्डन कलर का पानी तैयार हो जाता है। कई बार मैंने मुलैठी का काढ़ा बताया, इससे स्वामी जी पूरे अंदर की इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन, फेफड़ों की सब कफ कोल्ड रेशा अंदर का खत्म हो जाता है इससे। जी मेरी बहन, पोलन एलर्जीज से तो कोई प्रॉब्लम होगी जी, पोलन एलर्जीज और उनके साइड इफेक्ट से कैसे बचना है उसके बारे में आपने बताया, साथ ही प्राणायाम का भी जिक्र किया, तो अब योगाभ्यास के बाद प्राणायाम की तरफ ही चलते हैं। क्या कपाल भांति ब्रह्म प्राणायाम के अलावा जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जायी, प्रणव जप आप कराते हैं, इससे क्या ईएनटी की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं? क्या ये ईएनटी के लिए फायदेमंद है, और अगर हाँ तो कैसे, कितनी देर तक? सबसे बड़ा असर प्राणायाम का रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही होता है। देखो मैं बताता हूँ, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, पूरे हमारे ब्रेन के करीब करीब 86 बिलियन जो सेल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स सब एनर्जाइज हो जाते हैं इससे, भस्त्रिका से, कपाल भाति से। मैंने जलनीति के बाद भी किया, पूरा अंदर के टॉक्सिन्स बाहर, उज्जाई से थायराइड पर, थायराइड गला, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक स्ट्रेंथन हो जाता है। ऐसे सूर्य भेदी दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। भ्रामरी उद्गीत तो हमें स्ट्रेस मुक्त करता है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, हर समय में मन बेचैन, अस्त व्यस्त, उथल पुथल, उधेड़ बोलो हो, इतने कन्फ्यूजन्स होते हैं। ओंकार उपासना से मन एकदम शांत हो जाता है, ऐसे लो लग जाते उस परम पिता परमेश्वर से। हम सुबह सुबह एक काम जरूर करें, आज का ये बहुत बड़ा संदेश उपदेश है मेरा सबके लिए, हम दो कदम योग के पथ पर आगे बढ़े, भगवान की ओर आगे बढ़े। स्वामी जी एक तरह एक बार थोड़ा एक काम कर ले, सुबह सुबह अपने आप को भगवान के हाथों में एक और तस्वीर आगे स्वामी जी, बहुत ही सुंदर तस्वीर है, एक काम है फिर सब काम भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी सिग्नेचर ब्रिज में पहुंच चुके हैं और सिग्नेचर ब्रिज से इसका आज उद्घाटन भी हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, और वहां से बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आ रही है, बहुत ही बोलते हैं मनमोहक दृश्य है, और जो ये कच्छ की खाड़ी है इसके ऊपर से जो ये खूबसूरत सिग्नेचर ब्रिज बना है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि स्टील की रस्सियों से लटकता हुआ ब्रिज है, और ये यहाँ पर करोड़ों लोगों के लिए कह सकते हैं कि गुजरात के लोगों के लिए एक सौगात है, क्योंकि अब बेट द्वारका जाने के लिए आपको लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चंद मिनटों पर आप सीधा बेट द्वारका से द्वारकाधीश मंदिर पहुंच सकते हैं, और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। स्वामी जी आप देख रहे होंगे, आप तो गए भी हैं गुजरात में, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं? मैंने तो अपनी 2009 की जो बहुत बड़ी जो आज राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो यात्रा अपने वजूद को बचाने के लिए, हमने देश को बचाने के लिए 2009 में ये भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी। 5 वर्षों तक लगभग मैं 20-25 लाख किलोमीटर चला हूं, और द्वारिका से ही शुरुआत की थी मैंने, और ये कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, द्वारिका से भेंट, द्वारिका की यात्रा,
एक तरफ हमारी, मैंने कहा, जो सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास के प्रतिमान इससे घड़े जा रहे, दूसरी बात इससे हमारा रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है, तीसरी बात हमारी संस्कृति का विरासत का बहुत बड़ा गौरव भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और वो बांसुरी बजाते बजाते मथुरा वृंदावन से द्वारिका तक पहुंच गए, तो इसके कई मायने, इसके बहुत गहरे सामाजिक अर्थ थे, आध्यात्मिक अर्थ थे, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और इसके जरिए स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, ये तस्वीरें देखती ही बनती हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब बारी घरेलू नुस्खों की है, आप जब तक उनकी तैयारी करते हैं तब तक अमित दर्शकों को बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। बिल्कुल, और हर 10 में से एक शख्स की किडनी खराब, सिर्फ 4,500 का होता है ट्रांसप्लांट, 1 साल में 1.5 लाख लोगों के गुर्दे फेल, बिना डायलिसिस कैसे बढ़ेगी एज, हाई क्रिएटिनिन शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जानिए किडनी के कितने दुश्मन आयुर्वेदिक नुस्खे और योग मंत्र, 100 साल किडनी रखेंगे सेहतमंद, किडनी की तमाम परेशानियां का समाधान बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, तो देखो हमने तिल का तेल गरम कर दिया, तिल के तेल को गरम करके और उसके अंदर लहसुन पका दिया, लहसुन चीरा मार करके पका करके खाने का तो हमने बताया था, बात रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए। अब इसके अंदर ये तेल पका करके इसको कान के अंदर डालते, कान एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, तो ईयर ग्रिड जो यूज नहीं कर पाते, महंगा होता है, सबको मिल नहीं पाता है, वो भी अप्रतिम है, तो ये तिल के तेल में लहसुन पका करके इसको डाले, थोड़ा इसमें हल्का सा इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते, ये तिल का तेल कानों के लिए परम औषधि है, धीरे धीरे मंद आंच पर इसको पकाते हैं तो धीरे 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 करके इसका पूरा जो मेडिसिनल कंपाउंड है लहसुन के, इसमें लगभग 10,000 एक्टिव मेडिकल कंपाउंड्स हैं, वो सारे इस तेल में आ जाएंगे, इसको कान में डालेंगे, ये तो कर्णपुर हुआ। अब इधर काढ़ा है, देखो ये अजवाइन, अजवाइन एक चुटकी भर, जो जीरा एक चुटकी भर, एक चुटकी भर ही मेथी और थोड़ा सा चुटकी भरी इसके अंदर दालचीनी, ये दालचीनी बड़ी ज़बरदस्त है, दालचीनी ऐसे ये इसका छिलका भी है, दालचीनी पेड़ का एक छिलका है, उसकी छाल है, और ये दालचीनी ऐसे भी डाल सकते हैं, कितना सुंदर बन जाता है। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर अदरक, अब ये इम्यूनिटी क्वाथ हो गया है, अब ये सारी चीज़ें हमने कूट करके ये भी बना रखी थी है? अब इसको डाल दिया और इसमें ऊपर से नींबू मिला करके, नींबू मिला करके पी ले, और जिनको शुगर नहीं है थोड़ा शहद भी ऊपर से मिला दे, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपने उपाय बता दिए और हमारा भी वक्त हो चला कि हम आपसे विदा लें ताकि हम फिर से कल आपके साथ मुलाकात कर सके और साथ ही साथ हम खबरों का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वास्थ्य बनाएंगे, अब कोई बीमार नहीं रहे।